नहीं है, बस हमारा रेस्टोरेंट में सुशी के लिए फ्रेश सालमन आया था, तो बस उसी के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो सालमन कटते हुए मिलेंगे, बस ज़्यादा कुछ है नहीं। आज सैटरडे नाइट है, तो बाहर से कोई डीजे वाला आया है, तो उसका भी सीन ऐड करते हैं और छोटा सा एक 4-5 मिनट का ब्लॉग बनाते हैं। तो मिलते हैं सालमन कटते हुए। मेरा फेस में थोड़ा पिंपल्स हुआ था, वो इचिंग हो रहा है, तो मिलते बनाते हुए सालमन, सॉरी काटते हुए सालमन, देखते हैं कैसा होता है। ये है हमारा सालमन जो कि आइस आइस में आता है, और ये हो गया नेक, सालमन का नेक काटने के लिए नाइफ, देन ये हो गया ट्वीजर जो भी बोन्स रहता है वो निकालने के लिए, और ये स्किनलेस करने के लिए और बोनलेस करने के लिए सेटअप कुछ ऐसा है। तो इसे काटते हैं। पार्ट से अलग ये वेस्टेज है, यूज होगा नहीं। बोन में से मीट निकालेंगे, यूज होगा। निकालेंगे बोन, मेरे एक हो चुका है कंप्लीट। ये ट्वीजर का ग्रिपिंग नहीं है इसलिए थोड़ा क्या बोलते हैं कांटा निकालने में मुश्किल हो गया है। चलता है हम डालेंगे सॉल्ट सालमन के ऊपर।
चटनी, ये डालने का वजह है कि हम लोग डीप फ्रिज में फ्रोजन करते हैं इसे, तो निकालने के बाद में ये कलर फेड हो जाता है, इसलिए हम लोग कलर फेड ना हो इसलिए सॉल्ट और शुगर डालते हैं और आइस वाटर में लगा के थोड़ी देर भीगने देते देन हम लोग करेंगे स्टोर डीप फ्रिज में। फाइव 10 मिनट्स हम लोग इसे ऐसी रखेंगे ताकि कलर थोड़ा डार्क हो, मिलते हैं। फाइनली हम निकालेंगे, अभी वेस्टेज में थे थोड़ा बहुत तो मीट जो भी रहता है वो अंदर सुशी रोल का अंदर स्टफिंग के लिए काम आएगा। सुशी गार्निशिंग में डाल देते एक्चुअली हम लोग स्किनलेस करें नहीं इसे, क्योंकि ये स्किनलेस अभी करेंगे तो ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, तो हम लोग ये फ्रोजन होने के बाद में जब भी यूज़ करने का बारी आता है तब स्किनलेस करेंगे। तो ऐसे भी वेस्ट है, निकालने का ज़रूरत तो नहीं था, लेकिन फिर हम लोग नहीं निकालेंगे तो फिर कॉस्टिंग ज़्यादा आएगा, कॉस्टिंग भी कवर करने का रहता है हमारा, तो इसलिए हम लोग तो जो भी है एक दो पोर्शन का वेस्टेज में से निकाल दे रहे ताकि कॉस्टिंग में प्रॉब्लम ना हो। इसमें से नहीं निकाल सकते, इसमें ऐसा कांटा रहता है तो ये निकाल के वेस्ट है। तो फाइनली कटिंग हो चुका है कंप्लीट, अब हम बस वेस्टेज निकालेंगे और देखेंगे, देखना है वेस्टेज और एक मच्छी में वेस्टेज कितना आया और स्टोर कितना हुआ। तो ये ऑलमोस्ट 1200 ग्राम वेस्टेज है, कर रहे हैं इसे सोक, पानी सोक हो जाए, थोड़ा सूख जाए, देन मारेंगे क्लीन रैप। ऊपर से किचन रोल लगा के 5-10 मिनट्स रहने देंगे, देन करते क्लीन रैप करके स्टोर में फ्रीजर में स्टोर करते। हमारा डीप फ्रीज ये हमाची हो गया, सॉफ्ट शेल क्रैब, सालमन वगैरह, और ये फ्रेश सालमन, ये पुराना सालमन थोड़ा कलर फेड हो जाता है। मन का काम तो हो चुका था ख़त्म, तो अभी के लिए कुछ तैयारी चल रहा है ऐसा, अभी सेटअप हो रहा है, रात में बताएंगे क्राउड का वीडियो कितना आता है क्राउड। सपोर्ट चाहिए होगा न्यू अपकमिंग यूट्यूबर्स को, मैं श्योरली सपोर्ट करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज़।